हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एनिमल किंगडम के पार्ट वन को देख के आए होंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं एनिमल किंगडम के पार्ट टू को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चैप्टर वाइज PYQ में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट्स। 56 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 56 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर्स। क्या है हो जाएगा आंसर, 56 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए 57 की बात करते हैं, ए टेरेस्टेरियल एनिमल मस्ट बी एबल टू, टेरेस्टेरियल एनिमल जो होते हैं ये एबल होते हैं, किसके एबल होते हैं, तो 57 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कंजर्व वाटर। ये वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। 58 की बात करते हैं, पार्ट वन में हम लोगों ने 55 क्वेश्चन को देखा था और पार्ट टू में हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल पेसियोला हेपेटिका, जिसको लिवर फ्लू के नाम से जानते हैं, इन्फेक्ट्स इट्स इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरली होस्ट एट द फ्लॉवरिंग लार्वा स्टेज रिस्पेक्टिवली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, मीरासीडियम एंड मेटा मेटा सरकेरिया, मेटा सरकेरिया राइट आंसर हो जाएगा, या सरसेरिया भी आप इसको कर सकते हैं, नेमिंग या प्रोनाउंसिएशन आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, साइकॉन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। साइकॉन किस ग्रुप के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये हमें पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इसको आप किस हिसाब से इसका राइट आंसर आप चूज कीजिएगा, तो 59 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मल्टी सेल्यूलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फ्लॉविंग इज करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड ए सर्टेन फिनोमिना इज एग्जिबिटेड। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुस्का हो जाएगा आपका, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 की, गिवेन बिलो आर फोर मैचिंग ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रिस्पेक्टिवली एन रिस्पायरेटरी ऑर्गन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको मैच ऑफ द कॉलम में इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन को आपको क्या करना है, मैच करना है। चलिए हम लोग आगे 62 की तरफ बात करते हैं, इन विच एनिमल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। डायमॉर्फिक न्यूक्लियस किस एनिमल में देखने को मिलता है, 62 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, पारामीशियम काउडेटम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फ्लॉविंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रायोनिक स्टेज। 63 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ऑल कॉर्ड डाटा के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, 64 की बात करते हैं ना, इन विच वन ऑफ द फ्लॉविंग क्लोरोक्रूरीन पिगमेंट फाइंड, किस में देखने को मिलता है, क्लोरोक्रूरीन, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ठीक कर सकते हैं। 64 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एनिलिडा के अंदर देखने को पिगमेंट मिलता है, क्लोरोक्रूरीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, इन विच ऑफ द फ्लॉविंग एनिमल पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। कौन से एनिमल में पोस्ट एनल टेल देखने को मिलते हैं, 65 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्नेक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स एंड एनोफिलस एस्टी फेंसी। क्या हो जाएगा, 66 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, अगर आपको स्लो लग रहा है तो 2x की स्पीड में देख सकते हैं लेक्चर को। बात करते हैं, द कैनल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कैनल सिस्टम किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, 67 का राइट आंसर स्पॉन्जेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फ्लॉविंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स, बर्ड्स में देखने को नहीं मिलते हैं, तो 68 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, फोर लिम देखने को नहीं मिलते हैं बर्ड्स के अंदर। 69 की बात करते हैं, 69 में क्या कह रहा है, द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड कनेक्टेड बाय एयर पैसेज, दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। 69 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एप्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओवेरिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 70 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, मेटाजेनेसिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, व्हाट इज कॉमन अमंग सिल्वर फिश स्कॉर्पियन क्रैब एंड हनी बी। कॉमन क्या है ये चारों के अंदर, 71 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जॉइंटेड अपेंडिक्स देखने को मिलता है। 72 की बात करते हैं, न्यूमेटिक बोन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन, न्यूमेटिक बोन किसमें देखने को मिलते हैं, 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पिगियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, द फ्लाइटलेस बर्ड्स कैसोवरी इज फाउंड इन, 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 624 की बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पॉन्सर्स विदाउट एक्सेप्शन। स्पॉन्सर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है कि बिना किसी एक्सेप्शन के, तो 74 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको क्या करने हैं, कमेंट्स करके बताने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, तो क्वेश्चन नंबर 75 का क्या आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। फंक्शन वाइज जस्ट एज देयर आर नेफ्रीडिया इन एन अर्थवर्म सो आर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, फ्लेम सेल इन लिवर फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू सिलोम इज द स्पेस लाइनिंग बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल इनक्लोज्ड बाय द लेयर, क्या हो जाएगा 76 का आंसर डी हो जाएगा, मेसोडर्म ऑन बोथ साइड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की, रेडियल सिमेट्रिकल इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ, यूजुअली किससे एसोसिएटेड होते हैं 77 का, लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 78 की बात करते हैं क्या हो जाएगा इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जोटिक इंडियन फिश, एक्जोटिक इंडियन फिश क्या होगा, 78 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं हम लोग, बिसाइड्स एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा द मेटामेरिज्म इज एग्जीबिटेड बाय 79 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कॉर्डाटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, द ऑर्गेनिज्म अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम जनरली, 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 81 का राइट आंसर क्या होगा, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 81 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ स्कल। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, ऑल कॉर्डाटा प्रोसेस, जितने भी कॉर्डाटा है उनको क्या प्रोसेस करते हैं, 82 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, एक्जिल स्केलेटल रोल ऑफ मोटोकॉर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, सिलोम डिराइव फ्रॉम बास्टोसिल इज नाउन एन, 83 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, प्योर सिलोम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, राइट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 84 की तरफ, रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स हैविंग, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक्वेटिक मोड ऑफ लिविंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बात करते हैं, पॉइंट आउट ऑफ नॉन पैरासाइट, नॉन पैरासाइट के ऊपर को एक पॉइंट को क्या करने है, आउट करने है, तो 85 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी एनिमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, ट्यूब फीट अकर्स इन, ट्यूब फीट किसमें देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूब फीट अकर्स इन स्टारफिश। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं हम लोग, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलेंट्रेटा, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिलेंट्रेटा का, 87 का राइट आंसर हमारा वेरी गुड, बी हो जाएगा, नेमेटोसिस्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखने को मिलते हैं, 88 का कटल फिश में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम में कौन से देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टोसोमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, म्यूकस हेल्प फ्रॉग इन फॉर्मिंग, म्यूकस का काम क्या होता है, 90 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, मॉइस्ट स्किन को फॉर्मिंग करता है इन फ्रॉग। 91 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ट्रेकिया ऑफ कॉकरोच एंड मेमल्स आर सिमिलर इन हैविंग, 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बी हो जाएगा, नॉन कोलेप्सिड कोलेप्सिबल वॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, ए लार्वल स्टेज अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज, 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बटरफ्लाई फ्रॉग एंड मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स प्रोसेस, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या प्रोसेस करते हैं, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये डॉर्सो होते हैं, डॉर्सल होते हैं, हॉलो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 का बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, व्हाट इज ट्रू अबाउट टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पोसेस नर्व सेल्स बट नो नर्व्स, नर्व सेल को प्रोसेस करते हैं बट इसके पास नर्व नहीं होते हैं, तो 95 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, हाइड्रा के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। बडिंग इज ए नॉर्मल मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रा और स्पॉन्जेज हो जाएगा आंसर। 97 की बात करते हैं, गिवन द करेक्ट मैचिंग कॉजेटिव एजेंट जर्म एंड डिजीज, 97 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वो कैरिया जिसमें ये फाइलेरिस में देखने को मिलता है, ठीक है, फाइलेरियासिस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच पेंगुइन एंड कीवी, ये क्या होते हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं, 99 का विच वन असिस्ट इन लोकोमोशन, 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोस्टेरियर सकल इन हिरुडिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, व्हाट इज कॉमन इन व्हेल बट बैट एंड रेट, कॉमन क्या है, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये हमारा यहाँ पे 50 क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उसको देखेंगे, तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।